रहा है ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म फर्स्ट क्राई की पेरेंट कंपनी ब्रेन बी सोल्यूशंस का आईपीओ जो है वो आज से खुल गया है। इशू साइज करीब 4,194 करोड़ रुपए का है। फंडामेंटल सब्सक्रिप्शन पर यहाँ पर चलिए हम बातचीत करते हैं आस्था से ही। आस्था, यहाँ पर भी प्राइस बैंड 440 से 465 रुपये प्रति शेयर रखा गया है और लॉट साइज 32 शेयर का ही है। तो फर्स्ट क्राई एज अ ब्रांड बहुत सारे यूजर्स हैं इसके, बट एक हम कह सकते हैं बहुत ही नीश कैटेगरी भी है। ऐसा नहीं कि इस तरह की कैटेगरीज पिकअप नहीं कर रही हैं, बट नीश कैटेगरी की बदौलत बताइएगा कि ओवरऑल आउटलुक क्या बनता हुआ दिखाई दे रहा है सेक्टर के लिहाज से भी। बेबी और मदर केयर प्रोडक्ट्स में भी ये कंपनी काफ़ी हद तक इन्वॉल्व है। इनफैक्ट मैं खुद का एक्सपीरियंस बताती हूँ, जब मेरी डॉटर हुई थी तो मैंने भी इसको यूज किया था फर्स्ट क्राई को। तो ये यंग मदर्स के लिए मेरे को लगता है कि इन्होंने बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दिया। मल्टी जैसे हम बोलते हैं कि ये चैनल कंपनी है और इनमें बेसिकली जो मेजर इनका रेवेन्यू आता है वो आता है, हम देखेंगे कि इनके जो बेबीज को या किड्स को और मदर्स को ये लोग जो कैटर करते हैं, 70% रेवेन्यू इनका मल्टी चैनल रिटेल आउट उससे आता है। उसमें भी मल्टी चैनल रिटेल में भी देखा जाए तो ऑनलाइन भी इनका काफी बड़ा सेल्स उसमें से आ रहा है और साथ में इनके खुद के स्टोर्स भी हैं जो कि हमने बहुत ज्यादा देखे हैं। तो स्टोर्स भी इंक्लूडेड हैं, कुछ कंपनी ओन्ड एंड ऑपरेटेड हैं, कुछ फ्रेंचाइजी ओन मॉडल पे बेस्ड है। तो इस तरह से इनका ये चलता है। इंटरनेशनल मार्केट्स में भी इनकी प्रेजेंस है, केएसए हो गया जिस तरह से अगर हम देखा जाए तो, इंटरनेशनल और यूएई में भी इनके स्टोर्स हैं। तो ये कंपनी ने एक्चुअली क्या होता है, जब इस तरह की कंपनी आती है तो शुरू में कॉस्ट काफी इनकर करनी पड़ती है, एस्टेब्लिश करने के लिए काफी खर्चे लगते हैं जब आप एक इतने सारे स्टोर्स खोलते हैं। तो उसी वजह से हमने फाइनेंशियल्स में भी देखा है कि इनके फाइनेंशियल्स में प्रॉफिटेबिलिटी अभी तक नहीं आई है। ऑल्दो जो इनका मेजर सेगमेंट है, जैसे कि मैं बोल रही थी कि मल्टी चैनल रिटेलिंग प्लेटफॉर्म वाला जो इनका मेजर सेगमेंट है वो एबिट्टा लेवल पे पॉजिटिव है, तो वो वाला सेगमेंट इनका प्रॉफिटेबल है। लेकिन एक ही सेगमेंट से नहीं आते, दूसरे सेगमेंट्स भी हैं, इंटरनेशनल सेगमेंट्स वगैरह भी हैं, तो उस वजह से अभी हमें लॉसेस देखने को मिल रहे हैं। तो ये मॉडल मुझे काफी अच्छा लगा, इनका एस्टेब्लिशमेंट भी अच्छा है, मॉडल काफी अच्छा है और हमारी तरफ से तो राय है इसमें भी सब्सक्राइब किया जाए। इसके पीछे का एक मोटा कारण मैं बोलती हूँ कि जिस तरह का इनका एड्रेसेबल मार्केट है, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कविता कि आपका एड्रेसेबल मार्केट कितना बड़ा है। आपका बिजनेस बहुत अच्छा है लेकिन जो मार्केट को आप कैटर करें उसका साइज अगर छोटा है तो वो बिजनेस के पास लिमिटेशन हो जाती है ग्रो करने की। लेकिन ये चीज इनके साथ नहीं है क्योंकि इनका मार्केट बहुत बड़ा है, मेरे हिसाब से 48 से 50 बिलियन डॉलर का एड्रेसेबल मार्केट सिर्फ फर्स्ट क्राई का है। तो इतना बड़ा जब इनका मार्केट है, इनके सामने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है और ये खर्चे सारे अभी कर चुके हैं इधर एस्टेब्लिश होने करने में, तो मुझे लगता है आने वाले 1 या 2 साल में ये प्रॉफिटेबल भी हमें होते हुए नजर आएंगे अगर सब कुछ बढ़िया रहा तो। ये हमारी एक उम्मीद है और मुझे इसीलिए ये भी अच्छा लगता है, बड़ा मार्केट है, बड़ा अच्छा ब्रांड है इनके पास और ग्रोथ भी बहुत अच्छी है। अगर मैं टॉप लाइन की बात करूं, बॉटम लाइन में अभी भी पॉजिटिव नहीं हुआ है लेकिन आने वाले 2 सालों का नजरिया रखें तो यहाँ पे बॉटम लाइन भी पॉजिटिव होती हुई नजर आएगी। तो सब्सक्राइब करने की रेटिंग इस आईपीओ को भी हम दे रहे हैं, लेकिन इसमें एक कैवेट ये रहेगा कि लिस्टिंग गेन की हम बात करें तो वहां पे अगर मार्केट ने साथ दिया तो वहां पे हमें हो सकता है कि लिस्टिंग गेन भी देखने को मिले, लेकिन वो देखने वाली बात होगी। इस तरह के मार्केट के माहौल में थोड़ा सा हमें सावधानी से ही काम करना चाहिए, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये भी अच्छा कैंडिडेट लगता है। तो दोनों ही आए अच्छे लगते हैं, दोनों में हमारी तरफ से रेटिंग सब्सक्राइब की है, लेकिन अगर किसी को रिस्क कम लेनी है तो यूनिकॉमर्स में लगा ले, लेकिन उसमें एक ही इश्यू रहेगा कि साइज बहुत छोटा है, अलॉटमेंट आने के चांसेस टफ रहेंगे। और मेरे हिसाब से अगर थोड़ा लंबा नजरिया रखे तो फर्स्ट क्राई में भी लगा सकते हैं। लिस्टिंग गेन का जो भी मोमेंटम आएगा वो मार्केट के मूड मॉल के हिसाब से उस दिन हो सकता है कि अच्छी लिस्टिंग गेन भी फर्स्ट क्राई में भी हमें होते हुए मिले, लेकिन सब्सक्राइब की रेटिंग लॉन्ग टर्म के लिए ज्यादा है फर्स्ट क्राई को। फर्स्ट क्राई के लिए जो सब्सक्रिप्शन की रेटिंग है वो लॉन्ग टर्म पर ज़्यादा झुकाव इस वक्त आस्था जी का नज़र आ रहा है, फिलहाल बाजार के मूड माहौल को देखते हुए। और यूनिकॉमर्स और अगर हम ब्रेनबीज को देखें तो उसमें यूनिकॉमर्स ज़्यादा, दोनों ही तरह के चाहे लिस्टिंग गेंस चाहे लॉन्ग टर्म, दोनों के लिहाज से वो ज़्यादा पसंद आता हुआ आस्था जी को। आस्था जी, मेरे 2 सवाल आपसे रहेंगे। पहला तो ये बताइए कि चूंकि कंपनी ने कहा है कि जो रिटेल का हिस्सा है वो थोड़ा सा
बाकी हिस्से से बहुत उसका वेटेज कम है, और हम 75% अगर इशू साइज़ को देखें तो वो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए है। तो ज़रा इस पर एक नज़रिया दीजिए, ये इसको किस तरह से आप देख रही हैं, और इसके साथ ये बताइए कि लिस्टिंग के बाद अगर रणनीति रखनी हो खासतौर पर बिनबीज में तो क्या किन बातों का ध्यान रखना होगा। तो प्रशांत जी, मैं एक सवाल करना चाहूंगी, ये आप किस आईपीओ के लिए पूछ रहे हैं, दोनों ही आईपीओ के लिए या यूनिकॉमर्स के लिए? नहीं नहीं ब्रेनबीज के लिए जी, वापस से रिपीट करेंगे जी। आ रही है आपको आवाज? हाँ, अब आ रही है। हाँ ठीक है, ठीक है, मैं ब्रेनबीज की ही बात कर रहा हूँ जी। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले मैं बता दूं, दोनों ही आईपीओ में 75% QIB के लिए रखा गया है। अब हम ब्रेनबीज की यहाँ पे बात करें और यूनिकॉमर्स की भी बात करें, तो यूनिकॉमर्स में सिर्फ 25,60,000 शेयर्स रिटेल के लिए अलोकेशन के लिए रखे गए हैं, क्योंकि 10% का वहां पे एक अलोकेशन रखा गया है, तो बहुत ही छोटा, मतलब 25 लाख शेयर्स के लिए सिर्फ रिटेल अप्लाई कर सकते हैं, तो वो काफी छोटा एक साइज हो जाता है। अब जहां तक आपने ब्रेनबीज की यहाँ पे बात की, यहाँ पे भी 75% ही रखा गया है, और उसके पीछे के भी एक्चुअली देखा जाए तो कारण रहते हैं, क्योंकि जब आप लॉसेस दिखा देते हैं अपने फाइनेंशियल्स में, तभी ये सेबी रेगुलेशंस के हिसाब से आपको 75% QIB के लिए रखना जरूरी होता है। तो वो एक कारण रहता है कि हमने ब्रेनबीज में भी देखा, जिस तरह से मैंने भी बात की, कि यहाँ पे हमें बॉटम लाइन में लॉसेस दिखाए देखने को मिले हैं, आरएचपी पे हम नजर डालते हैं, तो ये बिल्कुल एक कहा जा सकता है कि ये कम रहेगा इसमें जो अलोकेशन है रिटेल के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि बाद में भी, इश्यू के बाद में भी, अगर कंपनी ने प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे दिखानी चालू करी तो सेकेंडरी मार्केट में भी खरीदने के चांसेस होंगे ब्रेनबीज, यानी कि फर्स्ट ट्राई में, तो वहां पे अभी इश्यू में अगर नहीं अलॉटमेंट लगता है तो आप बैठिए, देखिए कंपनी के नतीजे किस तरह से यहाँ पे के आ रहे हैं, क्योंकि कंपनी की जो आगे की योजना है वो और भी ज्यादा स्टोर्स खोलने की है आने वाले 2 वर्षों में। अगर इस तरह के स्टोर्स खोलने की यहाँ पे ओपनिंग है, करने की यहाँ पे अगर कंपनी की योजना है, तो मुझे लगता है फाइनेंशियल्स में मजबूती बिल्कुल आने वाली है, तो फिर लेटर ऑन भी इसमें एंट्री की जा सकती है अगर अलॉटमेंट नहीं मिलते हैं किसी भी वजह से। तो लेकिन इश्यू साइज छोटा यूनिकॉमर्स का ज्यादा है, तो वहां तो सिर्फ यही मान के चले कि कुछ बढ़िया यहाँ पे अगर भाग्य ने साथ दिया तो अलॉटमेंट लग जाएंगे, क्योंकि सिर्फ 25 लाख का ही कोटा रिटेलर्स के लिए यूनिकॉमर्स में रखा गया है। और अगर कोई शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है जो खाली लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से आईपीओ में सब्सक्राइब करना चाहते हैं, तो दोनों आईपीओ में से कौन सा ज्यादा प्रेफरेबल होगा? जी, और एक और बात मैं ऐड करना चाहूंगी, 25 लाख शेयर्स तो यूनिकॉमर्स में है और ब्रेनबीज में 90 लाख शेयर्स रिटेलर्स के लिए रखे गए हैं। पूरे अगर इश्यू साइज को हम डिवाइड करें 75% फॉर QIB, तो जो 10% का लोकेशन सब्सक्राइब में हो रहा है, तो उससे 90 लाख शेयर्स निकल के आते हैं, यानी कि 1 करोड़ से भी कम शेयर इसमें रखे गए हैं। तो ये मैं एक और चीज यहाँ पे फिगर बताना चाहूंगी, लिस्टिंग गेन में देखिए उम्मीद दोनों में है, लेकिन उम्मीद का एक पैरामीटर प्रॉफिटेबिलिटी रहता है, और प्रॉफिटेबिलिटी यूनिकॉमर्स में अभी हमें साफ दिखर के आ रही है, जिसमें कि फर्स्ट ट्राई में हम सिर्फ एक उम्मीद कर रहे हैं कि आगे जाके ये 2 सालों में प्रॉफिटेबल टर्न होगी। तो इसीलिए मैंने कहा कि अगर रिस्क नहीं ले सकते तो फिर एक ही में लगाना है तो यूनिकॉमर्स में लगाइए, लेकिन उसमें अलॉटमेंट आ जाना चाहिए, क्योंकि बहुत ही कम नंबर ऑफ शेयर्स है, लेकिन दोनों में ही लगाने की सलाह है। लिस्टिंग गेन यूनिकॉमर्स में होने के ज्यादा अच्छी उम्मीद है, क्योंकि कंपनी यहाँ पे प्रॉफिटेबल है अच्छी खासी और फाइनेंशियल्स बहुत मजबूत स्थिति में है। तो प्योर अगर लिस्टिंग गेन के लिए लगाना हो तो यूनिकॉमर्स में बिल्कुल लगाया जा सकता है, और दोनों लंबी अवधि में तो दोनों ही बढ़िया रहेंगे, और मार्केट ने साथ दिया तो फर्स्ट क्राइश शायद लिस्टिंग के दिन भी बढ़िया परफॉर्म करता हुआ नजर आए। नो ही आईपीओ नजर आ रहे हैं शॉर्ट टर्म गेन्स की तरफ से, लिस्टिंग गेन्स की तरफ से यूनिकॉमर्स ज्यादा प्रेफरेबल नजर आ रहा है। तो आस्था जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ विस्तार से अपनी पूरी राय बताने के लिए।